नगला इनक्लेव पार्ट वन एनआईटी फरीदाबाद के रहने वाले हेमंत सिंह अत्री बहुत परेशान हैं अपनी गली की समस्याओं को लेकर। आज उन्होंने एमसीएफ कमिश्नर को शिकायत दी, हमने उनसे बातचीत की, देखिए। मुझे नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद आना पड़ा क्योंकि मैं नगला इनक्लेव पार्ट वन में रहता हूँ, जहाँ मेरे पड़ोस में कुछ लोगों ने रोड पर अपने घर से टूट फूट का जो मलबा निकलता है वो डालकर रास्ता बंद कर रखा था। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी आने और जाने में। ऊंचे ऊंचे टीले लगा रखे थे मलबे के, नालियां बंद कर दी गई थी। अच्छा। पानी का निकास नहीं हो पा रहा था। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, विकलांग लोग बहुत परेशान हो रहे थे, आने जाने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। अच्छा। कई बार हम लोगों ने मना भी किया लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा। तो इसलिए आखिरकार मुझे मजबूरन उन लोगों की शिकायत लेकर कमिश्नर साहब के पास यहाँ नगर निगम में आना पड़ा। तो क्या शिकायत दी है आपने? मैंने शिकायत दी है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने रोड पर अच्छा अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, मलबा डाल रखा है, रोड बंद करने की कोशिश की गई है, नालियां बंद कर दी गई है। अच्छा। पानी नहीं निकलता है, लोगों को गाड़ी मोटरसाइकिल व पैदल जाने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं गुजारिश करने आया हूँ अपने कमिश्नर साहब से कि उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जो दोषी है उनके चालान किए जाए और वो मलबा उठवाकर वहाँ से रोड दुरुस्त किया जाए। एड्रेस क्या है जहाँ पर ये परेशानी? ये एड्रेस है जी नगला इनक्लेव पार्ट वन काली मंदिर के पास। अच्छा। एक दो गली में ऐसा है या और भी कई गलियां ऐसी? और कुछ नहीं है जी, एक या दो गली ही सिर्फ ऐसी है जहाँ पर इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा। और बाकी तो आप चाहते हैं कि जो मलबा डाला गया है लोगों ने अपने आगे टीले बना रखे हैं, नगर निगम उसको हटाए और रोड को उसी यथा स्थिति में ले आए और जिन्होंने ये गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो आपने शिकायत दे दी है? हाँ जी, मैंने कमिश्नर साहब को शिकायत दे दी है। तो क्या किस किस को शिकायत दी है आपने? मैंने जी कमिश्नर साहब को दी है, सीएम साहब को, अपने मुख्यमंत्री जी को दी है और मैंने विधायक जी को दी है, पार्षद अच्छा। जी को भी दी है। अच्छा, सबको आपने शिकायत दे दी है। क्या उम्मीद है कोई कार्रवाई की? हाँ जी, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा भी है अपने प्रशासन पर कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द रैपिड एक्शन लिया जाएगा इस पे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा रोड को पहले की तरह दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है हेमंत जी, देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।